Hey beautiful people, welcome to Fundu Programming. मैं हूँ आपका दोस्त Fundu Boy. दोस्तों सपने हम सबके जीवन का एक हिस्सा है, जिसमें कुछ सपने हमें याद रहते हैं तो कुछ हम भूल जाते हैं, और कुछ तो इतने डरावने और भयानक होते हैं कि वो हमारी रातों की नींद ही उड़ा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सपने आते क्यों हैं और इन सभी सपनों का मतलब आखिरकार होता क्या है। तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों की रिसर्च डॉक्टर सिगमंड फ्रॉड ने अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में बारीकी से एक्सप्लेन किया है, जिसमें डॉक्टर सिगमंड ये बताते हैं कि जब आपकी कॉन्शियसनेस गहरी नींद में सो रही होती है या आराम कर रही होती है, तब आपकी सबकॉन्शियस एबिलिटी और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करने लगती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स एंड इमोशन के बेस पे एक ऐसी स्टोरी ऑफ इमेजिनेशन क्रिएट करती है, जो और कुछ नहीं बल्कि आप ही के थॉट्स एंड इमोशन का रिफ्लेक्शन होता है, जिन्हें आप कॉन्शियसली इग्नोर करते हो। यानी कि आपके सपने आपको एक विजुअल मूवी की तरह अपने ही थॉट्स एंड इमोशन का आईना दिखाते हैं, जिसे अगर हम बारीकी से समझ जाए तो वो हमारी कॉन्शियस लाइफ में चल रही कई सारी चीजों को बारीकी से समझने में हमें मदद कर सकते हैं। और सपनों के इसी हिडन मीनिंग का इस्तेमाल करके प्राचीन मिस्र के लोगों ने कई सारी अद्भुत चीजें और दवाइयों का भी आविष्कार किया था। तो ऐसा ही कुछ अद्भुत साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड मीनिंग आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको अपने सपनों के रियल मीनिंग का पता लगाने में मदद करेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब दोस्तों सबसे पहला और कॉमन ड्रीम जो हम सब पता नहीं कितनी बार देखते हैं, वो है ड्रीम अबाउट फॉलिंग, यानी कि किसी ऊंचाई से नीचे गिरना। अब अचानक से हम नींद में अपने आप को किसी बिल्डिंग से या पहाड़ से या आसमान से खुद को नीचे गिरते हुए देखते हैं, और कभी कभार तो ये चीजें इतनी डरावनी और भयानक हो जाती है कि आधी रात में ही हमारी नींद टूट जाती है और हम एंशियस एंड स्केयर फील करने लगते हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन करते हुए साइकोलॉजिस्ट रसेल ग्रांट अपनी किताब द इलस्ट्रेटेड ड्रीम डिक्शनरी में ये बताते हैं कि सपनों में अचानक से किसी ऊंचाई से गिरना ये दर्शाता है कि रियल लाइफ में चल रही किसी सिचुएशन में आप काफी डरे हुए हो, क्योंकि ऊंचाई से गिरना एक इंटरनल डर का सिंबल दिखाता है, जिसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में या जॉब में या पढ़ाई में फेल होने को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए हो, और उस चीज या काम के फाइनल रिजल्ट का कंट्रोल आपके हाथ में ना होने की वजह से ही आप अपने आप को काफी डरा हुआ और हेल्पलेस फील करते हो, जिसकी वजह से ही आपका सबकॉन्शियस इमोशन आपको ऐसा कुछ सपना बार बार दिखाता है। वहीं अब अगला ड्रीम जो हम सब लोग कभी ना कभी देखते ही है, वो है बीइंग लॉस्ट इन ड्रीम। एक्चुअली में ये कई बार हमारे साथ होता है कि सपने में हम अपने आप को किसी अलग ही अनजान जगह पे फंसा हुआ पाते हैं, जहाँ से किस तरफ और किस दिशा में आगे बढ़ना है वो हमें पता ही नहीं चलता। हम इधर उधर भागने की और सही रास्ता पता लगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, मगर कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी हमें उस जगह से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता मिल ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा डर, घबराहट और दुख महसूस करते हैं, जो एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन बैठा हुआ हमारा इमोशन होता है, जो आपको सपनों के थ्रू ये इंडिकेट करता है कि हम एक्चुअली में अपने रियल लाइफ में भी डायरेक्शन लेस होकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली में जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो हमें सही मायने में हमारे ड्रीम्स एंड गोल तक लेकर जाएगा भी या नहीं, मगर फिर भी हम बिना सोचे समझे आगे बढ़े ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सपनों के माध्यम से ये इंडिकेट करना चाहता है कि सर जी आप गलत दिशा में आगे जा रहे हो, अभी संभल जाओ वरना आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा। वहीं अगली चीज हम ये देखते हैं कि हम हमारे सपने में किसी चीज से पीछा छुड़ाकर भागना चाहते हैं, मगर कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी हम उस जगह या चीज का पीछा छुड़ाकर भाग ही नहीं पाते, और अगर भाग भी पाते हैं तो वो भी स्लो मोशन में, जिसका मतलब साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि ऐसा विजुअल हमारे माइंड में तभी क्रिएट होता है जब हम अपने आप को पावरलेस, वीक, हेल्पलेस एंड लो सेल्फ एस्टीम के जोन में फंसा हुआ महसूस करते हैं। यानी कि रियलिटी में जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए होते हो जहां से आप ना भाग सकते हो और ना ही उस चीज या सिचुएशन से पीछा छुड़ा सकते हो, और उस सिचुएशन का सामना करने के लिए आप अपने आप को पावरलेस एंड वीक समझते हो, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे सपने दिखाता है। वहीं अगर आपको ऐसा सपना आता है जिसमें आपको कोई अनजान इंसान या अनजान साया आपका पीछा कर रहा हो, और वो सिचुएशन अगर आपको काफी डर एंड एंजाइटी की फीलिंग दे रही हो, जो आपकी हार्ट बीट को काफी ज्यादा बढ़ा देती हो, तो समझ जाना कि आपका ऐसे टेरिफाइंग एंड डरावने सपने के जरिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बताना चाहता है कि आप अपने रियल लाइफ में किसी ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को नजरअंदाज कर रहे हो जिस पर एक्चुअली में आपको ध्यान देना चाहिए, मगर आप नहीं दे रहे हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, जिसमें अगर कोई अननोन इंसान का पीछा करना यह दर्शाता है कि रियलिटी में आप अपने गोल या डिजायर को पूरा करने के लिए जो जरूरी रिस्क लेना चाहिए वो रिस्क लेने से आप डर रहे हो। वहीं जंगली जानवर या सांपों का पीछा करना यह दर्शाता है कि आप अंदर से एंगर और
फ्रस्ट्रेशन से भर चुके हो मगर अपनी फीलिंग को लोगों के सामने लाने से डर रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है क्योंकि अगर आपने गलती से अगर वो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन लोगों के सामने लाकर रख दिया तो आपको कोई भारी नुकसान ना उठाना पड़े। वहीं अगर आपको अपने अपोजिट सेक्स वाला इंसान चेज कर रहा है यानी कि पीछा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हो और पास में हुए बुरे एक्सपीरियंस की वजह से आपको अपने ही करीबी लोगों पे भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए आप उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो। इसीलिए फिर से आप गलत डिसीजन में फंस ना जाओ उससे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हुए वार्निंग देता है। वहीं अब अगला ड्रीम आपको ये देखने को मिलता है कि आप अपने बेड पे सोए हुए हो और अचानक से आप अपने आप को बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ पाते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई तो डरावना मॉन्स्टर अचानक से आकर आपकी छाती पे बैठ गया हो और चाहते हुए भी आप अपने आप को अपने पलंग से हिला ही नहीं पा रहे हो और ऐसे सिचुएशन में आप कुछ बोलना तो चाहते हो और डर के मारे चिल्लाना भी चाहते हो मगर फिर भी किसी अनजान चीज की वजह से आप ना बोल पाते हो ना ही चिल्ला पाते हो। यहाँ पे एक्चुअली में आप अपने आप को एक टेम्पररी पैरालिसिस जैसे सिचुएशन में फंसा हुआ पाते हो तो ये चीज इंडिकेट करती है कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में डीपली किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको हर जगह से प्रेशराइज किया जा रहा है, जहाँ पे आप कुछ बोलना तो चाहते हो मगर कई सारे एक्सटर्नल दबावों के कारण आप अपनी बातों को रख ही नहीं पाते। साथ ही साथ ऐसे ट्रोमा जैसे सिचुएशन आप तब फेस करते हो जब आपका बचपन का डर पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो जाता है जिसका सबकॉन्शियस डर ही आपको एक्चुअली में टेम्पररी पैरालिसिस जैसे सिचुएशन में फंसा देता है। वहीं अगली ड्रीम के बारे में साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि कई बार लोगों को ऐसे ड्रीम आते हैं कि वो एग्जाम में फेल हो गए हैं, भले ही चाहे वो स्कूल या कॉलेज को पास करके आगे निकल चुके हो मगर फिर भी उन्हें ये ड्रीम आता है कि वो पूरी जानकारी होने के बावजूद भी एग्जाम में फेल हो गए हैं। ऐसे सिनेरियो में मोस्टली सपनों में लोगों को एग्जाम रूम ही नहीं मिलता या तो फिर कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी वो सही समय पे एग्जाम रूम तक पहुंच ही नहीं पाते या फिर पढ़ाई किए बगैर ही एग्जाम देने बैठ जाना या फिर पेपर हाथ में आ जाने के बाद भी पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाना और ऐसे सब सिचुएशन के कारण पूरी तरह से एंशियस हो जाना जो एक्चुअली में सपनों में आपका सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। तो दोस्तों एक्चुअली में ये सारी चीजें दिखाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये इंडिकेट करना चाहता है कि आप अभी एक्चुअली में अपने रियल लाइफ में अपने फ्यूचर एंड करियर को लेकर काफी परेशान हो और सही जानकारी एंड नॉलेज ना होने की वजह से हर रोज आपके हाथ से वो सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है जो सही मायने में आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। तो अगर आपने समय रहते अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस ट्रिगर को बारीकी से समझकर अपने आप को आने वाली फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर तैयार कर लिया ना तो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस ट्रिगर को बारीकी से बस समझ लेना है। वहीं अगर सपने में आप अपने आप को किसी बंद कमरे में या बॉक्स में या फिर किसी मायावी चक्रव्यूह या फिर भुलभुलैया में फंसा हुआ यानी कि ट्रैप्ड हुआ पाते हो तो तुरंत समझ जाना दोस्त कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपनी ये रियलिटी सपनों के थ्रू दिखाकर ये बताना चाहता है कि ठीक इसी तरह आप भी दूसरों को खुश करने के लिए या फिर अपनी मजबूरी की वजह से किसी जॉब बिजनेस या रिलेशनशिप में कुछ इसी तरह से फंसे हुए हो जहाँ पे आप 100% हैप्पी नहीं हो और आप हर रोज इस चीज से परेशान भी होते हो मगर फिर भी आप इन सब चीजों से बाहर निकलने की कभी कोशिश ही नहीं करते जिसकी वजह से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने सपनों के माध्यम से ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इंसान खुश रहने के लिए और खुले मन से जिंदगी जीने के लिए ही बने हुए हैं। इसलिए अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर कुछ इसी तरह का सिग्नल अगर आपको बार बार दे रहा है तो तुरंत समझ जाना दोस्त कि आपको एक्चुअली में जिंदगी के कई सारे बंधनों को तोड़कर खुले मन से जिंदगी जीने की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों इन सब सपनों में से आप कौन से सपनों को अक्सर देखते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको इस किताब में बताए गए और भी सपने अपने और उसके मतलब के बारे में बारीकी से जानना है तो उसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।